हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 45, 46 एंड 47 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो TS ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। ये इस सेशन 2022-23 की मेरी वीडियो नंबर 22 है अकाउंटेंसी की। तो चलिए हम करते हैं 45th क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ अभी। पर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सी बुक है। आप सिर्फ पैटर्न और इसके फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए और फिगर्स को देखिए मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाएगा। इट हार्डली मैटर्स कि किस ऑथर की बुक आपके पास है। ठीक है जी, हालांकि मेरे को किसी एक बुक को तो रेफर करना ही पड़ेगा ना क्वेश्चंस करवाने के लिए। तो इसलिए आपके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि मैं किस बुक से करा रहा हूँ। आप अंडरस्टैंड करिए फॉर्मेट को, फिगर्स को और कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। ठीक है जी, हाँ, जिनके पास TS ग्रेवाल वाली बुक है वो इसे रेफर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। अमित विजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1st अप्रैल 2021। देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन वार ₹2 लाख एंड 1.5 लाख रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड एज फॉलोज। पहला, ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बी, अमित टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ एंड विजय ₹3,000 पर मंथ। सी, प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज ₹2,16,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू ₹2,200 फॉर अमित एंड 2,500 फॉर विजय। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए, हमने इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ये मेरे पास, मैंने फॉर्मेट पहले बना कर रख लिया है 45 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको पता है हमें नेट प्रॉफिट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2,16,000। 2,16,000 यहाँ पे आएगा। अब एक एक करके एडजस्टमेंट्स लेते जाते हैं। ए एडजस्टमेंट क्या चीज़ है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, तो यहां पे अमित विजय, ठीक है जी, 10% का 2 लाख का कितना आ जाएगा? ये 20,000 आ जाएगा। और उसका 1.5 लाख का 10% कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। और उसके बाद क्या कह रहा है वो? अमित टू गेट ए सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ एंड विजय टू गेट ए सैलरी ऑफ 3,000। ठीक है जी, तो यहां पे लिखेंगे सैलरी। और पहले अमित को कितने जाएगी सैलरी? 3,000 पर मंथ है ना, नहीं 2,000, इसकी 2,000 पर मंथ है। तो 2,000 इंटू 12 करके यहां 24,000 आ जाएगा। ठीक है जी, और दूसरे किसकी? विजय की। विजय को 3,000 इंटू 12 करके विजय की सैलरी कितनी आ जाएगी? 36,000 आ जाएगी। ओके, मंथली सैलरी गिवन है ना। ठीक है, तो उसके बाद सैलरी के बाद और तो कुछ भी नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमित और विजय का। अमित का कितना है? 2,200 और विजय का कितना है? 2,500। ओके जी, तो ठीक है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बांट देंगे 3:2 में। चलिए, हम इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सारा कुछ तो डाल दिया हमने। ओके, तो नेचुरली देखने से ही लग रहा है कि क्रेडिट साइड बढ़ी है। 2,16,000 है उधर, इतनी ज़्यादा आइटम्स नहीं है। तो मैं क्रेडिट साइड का टोटल करूँगा 2,16,000 जमा 2,200 जमा 2,500। तो ये आ गया बेटा 2,20,700। 2,20,700, अब इसका टोटल कर लीजिए। ये है 20,000 जमा 15,000 जमा 24,000 जमा 36,000, 95,000 बन गया 220,700। ये आ गया 1,25,700। ये आ गया 1,25,700। तो अब हमें क्या करना है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर कर देना, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, ये कौन सा? अमित और ये कौन है? विजय। अमित का कितना है? 3/5, 2/5, 1,25,700 इंटू 3/5, तो यह आएगा 75,420। ये आ गया 75,420, आंसर मिला लीजिए। ठीक है, तो ये आ गया 125,700/5 × 2, तो ये आ जाएगा 50,280। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो यदि आपको फॉर्मेट अच्छी तरह याद है तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं, सबसे पहले हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना होता है, उससे अलावा और कुछ नहीं करना। जब तक हमें प्रॉफिट ही नहीं पता होगा हम बाकी चीज़ें कैसे ढूंढेंगे। और मोस्ट ऑफ द केसेस में यदि आप क्वेश्चंस खुद करके देखते हो तो आपको मैं बता दूं कि ये आंसर, ये जो प्रॉफिट गिवन होता है ये क्वेश्चन के एंड में गिवन होता है, वो इसलिए आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो जो एडजस्टमेंट है, ए क्या है, ए ये था, बी में आपकी सैलरी थी, उसके बाद तीस सी नंबर पे आपको ये कैलकुलेट करना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यदि तो कैलकुलेट किया हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप वहाँ से देख के डाल लीजिए और फिर ये प्रॉफिट को जैसे हम अकाउंट को मैच करते हैं वैसे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ओके जी, तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। 46 क्वेश्चन मैं अभी आपको कराता हूँ। 46 क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये देखिए क्या कह रहा है। 46 क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर कैपिटल वर 50,000 and 30,000। उनकी कैपिटल कितनी है? 50,000 और 30,000। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख लूँगा, या मैं आपको बता रहा कि लास्ट में गिवन होता है, इस क्वेश्चन में पहले ही दे दिया। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में ये आ गया नेट प्रॉफिट 50,000। ओके जी। तो उसके बाद जो जो एडजस्टमेंट्स गिवन है हम एक एक करके एडजस्टमेंट करते जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। उसके बाद टर्नओवर, टर्नओवर का नाम यहाँ पे सेल्स होता है, मतलब टर्नओवर सेल्स को बोलते हैं, वो सेल्स का 2% निकालनी कमीशन ए की, फिर बी की सैलरी है, फिर बी की कमीशन है आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसिस इंक्लूडिंग सच कमीशन। और ये उसके बाद ड्राइंग गिवन है आपको 8,000 और 6,000। टर्नओवर फॉर द ईयर वॉज कितनी है? 3,00,000। बट ड्राइंग्स तो गिवन है, ड्राइंग तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, तो हमें नहीं कुछ भी चार्ज करना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्म में। तो चलिए एक एक करके एडजस्टमेंट करते जाते हैं। तो सबसे पहले आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपके पास ये क्या है, ए और बी, 6% है ना। ये आ गया 3,000, 50,000 का 6% 3,000, 6,1800 यहाँ पे आ गया। ठीक है जी। उसके बाद उसने क्या बोला, ए की कमीशन है, टू कमीशन, कमीशन टू ए, ए की कमीशन सेल्स पे है, सेल्स कितनी है हमारी? 3,00,000 है, ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ ना, हाँ ड्राइंग के साथ वाली लाइन में लिखा हो, इनटू 2%। तो ये अगेन 6,000 आ गया। चलिए उसके बाद टू सैलरी टू बी, टू सैलरी टू बी, तो ये क्या है, 500 × 12, 12×5=6,000, ये आ गया। अब क्या करना है आपको, टू कमीशन, टू कमीशन किसकी कैलकुलेट करनी है, बी की कमीशन किसकी कैलकुलेट करनी है, बी की, और आफ्टर चार्जिंग ऑल सच एक्सपेंसेस बोल रहे ना, इंक्लूडिंग कमीशन। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इस 50,000 में माइनस कर दो ये वाला 3,000, माइनस 1,800, माइनस 6,000, माइनस ये सारे खर्चे माइनस कर दीजिए, और इनटू रेट क्या बटे उसके कमीशन का 5%, 5/105, रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लग जाएगा। ये आ जाएगा 50,000 में से मैं पहले 3,000 माइनस करूँगा, फिर 1,800 माइनस करूँगा, फिर 12,000 माइनस करूँगा, 6 और 6 12, ये आ गया 33,200 × 5/105, तो ये आ जाएगा 1580.95। ये पूरा नहीं आएगा, राउंड फिगर में नहीं आ रहा, तो 81 करके हम इसको राउंड में कर लेंगे। स्टूडेंट्स मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये देखो, मैं नीचे इसकी कैलकुलेशन भी आपको करके दे देता हूँ। 50,000 में से 3,000, 1,800 और 12,000, 50,000 में से 3,000, 1,800 और ये 12,000 माइनस करने के बाद हमारे पास कितना बचेगा, 33,200। तो इसको 5/105 से करना है, तो ये कट के आ जाएगा 21। अब 33,200 को जब मैं 21 से डिवाइड किया तो वो आएगा फिगर, मैं आपको बता देता हूँ, 1580.95। टू डेसिमल तक आप निकाल के देख लीजिए, पूरा नहीं आएगा, और इसको हम 1581 लिख सकते हैं। ओके जी, यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना। प्रॉफिट अंडरस्टूड है, ये देखने से लग रहा है 50,000 ये ज़्यादा और ये आइटम्स कम है, तो क्रेडिट का टोटल ही मैं दोनों तरफ लिखूंगा, 50,000 ईच आ गया। अब इसमें क्या करना है मेरे को कि इसके यार सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देना। तो हालांकि मैंने ये कर ही लिया था, 33,200 में से 1581 माइनस कर दो, 33,200 में से 1581 माइनस कर दो,
तो ये आ गया 31,619, ठीक है जी। क्योंकि ऑलरेडी ये सारा कुछ माइनस करने, यहाँ तक सारा कुछ माइनस करने के बाद 33,200 ही आया था ना, तो उसमें से कमीशन माइनस करके रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया, ठीक है जी। तो अब इसको क्या करना है, हमें इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देना, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देना ना। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है ए और बी की, 3:1। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ए और बी 3/4 और 1/4, हाँ 3/4 और बटे 4 करके इसका आ गया 7904.75 आ रहा है, राउंड फिगर में कर लीजिए 31,619 में से। अब मैं 7905 माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगा 23,714, ठीक है जी। ये आपका प्रॉफिट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। देखा कितना मज़ेदार बना, कितना सुंदर सुंदर बनाया मैंने, चलिए ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो एक मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम डबल एंट्री कर रहे हैं, जो चीज़ यहाँ डेबिट में थी वो यहाँ क्रेडिट में आ जाएंगी। अगर यहाँ इंटरेस्ट ड्राइंग भी होता तो मैं इस तरफ कर देता डेबिट की तरफ, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके एंट्रीज करते जाते हैं, मतलब इधर यहाँ से ट्रांसफर करते जाते हैं। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉडाउन, वो तो यहाँ नहीं होगा, वो हमें क्वेश्चन में से लेना है 50,000 और 30,000। और याद रखिए ड्राइंग्स भी थी, तो ड्राइंग्स भी यहाँ पे नहीं है, तो ड्राइंग्स हमें वहाँ से बुक के लास्ट क्वेश्चन लास्ट पॉइंट में गिवन है। पार्टनर्स ड्राइंग कितनी है, 8,000 और 6,000, बाकी सारा कुछ हमें यहीं से मिलेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, बाय IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 3,000, ये सॉरी 3,000 है और ये 1,800 है। उसके बाद बाय कमीशन, कमीशन ए की कितनी है 6,000 और उसकी 1,581, ठीक है जी। और उसके बाद बाय सैलरी, सैलरी कितनी है इसकी, बी की 6,000 और उसके बाद क्या है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आपको क्या करना है, प्रॉफिट ट्रांसफर कर देना है 714,7905। पचास हज़ार, 30,000, 3,000, 6,000, ये 23,714, 82,714 माइनस 8,000, ये आ जाएगा 74,714। यही आपका आंसर है, 74,714 टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आ जाएगा 74,714, ठीक है ओके। तो ये बैलेंस आ जाएगा हमारे पास, इसको यहाँ लिख लेंगे 82,714, ठीक है। तो अब यहाँ पे 30,000 1,800 जमा 1,581 जमा 6,000 जमा 7,905 47,286 माइनस 6,000, ये आ जाएगा 41,286, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है स्टूडेंट्स। यही बनाने थे ना हमें, 46 क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था और प्रॉफिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था, ओके जी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं 47 क्वेश्चन की। 47 क्वेश्चन में देखिए क्या है, मैं आपको एक बार स्टेटमेंट पढ़ के देता हूँ। 47 क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल्स 50,000, 50,000, 1,00,000, देयर करंट अकाउंट बैलेंस इज 10,000, 5,000 एंड 2,000, ठीक है जी। तो इसी से पता चलता है कि कैपिटल फिक्स्ड है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर एंड आल्सो एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹12,000 पर एनम, द प्रॉफिट्स आर टू बी डिवाइडेड, जो प्रॉफिट आएगा वो कैसे डिवाइड करना है, पहला 20,000 इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, नेक्स्ट 30,000 इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर 5:3:2 और रिमेनिंग शेयर इक्वली। ये मैं जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा तब आपको समझाऊंगा कि ये कैसे करना है। एक बार स्टेटमेंट सारी पढ़ लें पहले, द प्रॉफिट अर्नड नेट प्रॉफिट, द फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ दीज आइटम, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। हमें सिर्फ अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और जनरल एंट्री करनी है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट नहीं बनाने। तो चलिए यहाँ से फिर अगेन स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से ही। यहाँ लिख लीजिए डेबिट, ये क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस
अप्रोप्रिएशन अकाउंट रुपीज पर्टिकुलर्स बाय बैलेंस मतलब बाय प्रॉफिट एंड लॉस से आएगा ना ये, हाँ बाय प्रॉफिट, मैं क्या लिखी जा रहा हूँ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस से कितना आ रहा, 47,000 का 172,000। नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 172,000 का। अब आपको क्या देना है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको क्या देना है यहाँ पे बेटे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 47th क्वेश्चन में 10% टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट्स नाम क्या है पार्टनर्स के, ए बी सी, और पहले की कैपिटल 50,000 का 5,000 आ गया, दूसरे की कैपिटल का 50,000 का 5,000 आ गया, तीसरे का 10,000 आ गया, ठीक है जी। 5, 10 और 20 हो गया, ओके जी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे और क्या करना है, सैलरी भी देनी है। टू सैलरी किसको देनी बेटे, सैलरी हमें देनी है सी को, टू सैलरी सी को, ठीक है जी। सी को कितनी देनी है सैलरी, ये सारा कुछ उनके करंट अकाउंट में जाएगा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। एक मतलब किस में जाएगा, करंट अकाउंट्स में, सैलरी टू सीज करंट अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स आर कैपिटल आर फिक्स्ड इन दिस क्वेश्चन। तो ये 12,000 आ गया, तो ठीक है आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये बन गया 10, 10, 20 और 32, 172,000 में से 32 माइनस कर दो तो रह गया 140,000। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, और अगर प्रॉफिट कितना आ गया 140,000, 172,000 यहाँ पे मैं लिख लूँगा, 172,000 मैंने यहाँ लिख लिया, 172,000 मैंने लिख लिया, और यहाँ पे आ गया 140,000। और अब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है कैसे है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट बताई थी ना उसने, तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये कैसे करना है। ये हमारे पास डिविजिबल, यहाँ वर्किंग नोट लिख लीजिए, वर्किंग नोट डिविजन ऑफ प्रॉफिट का, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट 140,000। तो सबसे पहला हमें क्या करना है, उसने क्या बोला था कि ए में क्या बताया था उसने, फर्स्ट 20,000 इन कैपिटल रेशो, कैपिटल रेशो। तो ए बी सी की रेशो क्या है, ए बी सी की रेशो क्या है कैपिटल की, 50,000 and 1,00,000 है ना, कैपिटल की रेशो बताओ क्या है उनकी, कैपिटल की रेशो क्या है बेटा, ए बी सी की 50,000, 50,000 और 1,00,000, ठीक है। तो ये 5, 5, 10, 1, 1, 2, तो इस रेशो में जाएगा 1/4, 1/4 और 2/4। तो ये कितना है, 20,000 को बांट रहा है, चलिए ठीक है करिए इसको, 20,000 ये 4 करना है सॉरी, हाँ 20,000 divided by 4, तो ये आ गया 5,000, 5,000 और ये 5,000, दोबारा 10,000 इसका मतलब, ये 10,000 आ जाएगा, तो ये 20,000 ये चला गया, ठीक है जी। अब उसके बाद ये तो करना ज़रूरी था ना, क्योंकि इसके बिना तो हम कैपिटल की रेशो नहीं निकाल पाते। अब रिमेनिंग कितना रह गया प्रॉफिट, 1,20,000, और उसमें बी में क्या कहा है, नेक्स्ट ₹30,000 इन कौन सी रेशो दी है उसने, 5:3:2, 5:3:2 फॉर ए बी एंड सी की। तो ये कैसे बटेगा, ए बी और सी 5/10, 3/10 and 2/10, यही बना ना। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, 30,000 को, 30,000 को क्या करोगे आप, 5/10, 30,000 × 3/10, 30,000 × 2/10, ये 6,000, ये 9,000 और ये 15,000, 9 × 6 = 15, 15, 30 आ गया ना, तो ये 30 चला गया। ऊपर वाला भी आपको समझ लग गया था ना, ये तो सिंपल था कि 20,000 को ही तो कैलकुलेट करना था, ये 20,000 × 1/4, इसलिए मैंने करके नहीं दिया, मुझे था कि इजी है ये आप खुद कर लोगे, × 1/4 और 20,000 × 2/4,
ओके ये ऐसे आ गया। अब बाकी कितना रह गया बेटे, 90,000। 90,000 को उसने क्या कहा है, रिमेनिंग टू बी शेयर्ड इक्वली ए बी सी, तो सबको वन थर्ड बच जाएगा, वन थर्ड बच गया, 90,000 इंटू 1/3, 90,000 इंटू 1/3, 90,000 इंटू 1/3, 30,000, 30,000, ये 90,000, अब पूरे का पूरा ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। स्टूडेंट्स मैं एक बार आपको दोबारा समझा देता हूँ, वो कह रहा था कि जितना भी प्रॉफिट आएगा उसका पहला 20,000 हमें बांट रहा है उनकी कैपिटल रेशो में, तो 20,000 की उनकी कैपिटल रेशो क्या थी, 50,000 50,000 100,000, और रेशो क्या बन गई, 1:1:2, तो 20,000 को तो मैंने ऐसे बांट दिया, मतलब इस तरीके से ही बांटना था, रिमेनिंग 40,000 में से 20,000 जाने के बाद क्या बच गया, 1,20,000, इस 1,20,000 में से वो कह रहा है कि जो नेक्स्ट 30,000 है वो बांटना 5:3:2 में, ठीक है जी, तो ये ऐसा बांट दो, 5:3:2 में बांट के ये 15,000 6,000 6,000 आ जाएगा, 30,000 ये भी निकल गया, रिमेनिंग कितना बच गया, 90,000, और वो इक्वली बांट रहा है, इक्वली यहाँ तीन पार्टस में इक्वली कैसे बटेगा, वन थर्ड, तो 90,000 आ गया, वन थर्ड करके 90,000 आ गया ना स्टूडेंट्स, तो चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पे ए का प्रॉफिट कितना आएगा, ए का प्रॉफिट है 5,000, 15, 5, 20, 20 और 30, 50,000, देखिए आंसर है ना 50,000, ठीक है, तो यहाँ पे ए का प्रॉफिट कैसे लिखेंगे, ए बी और सी, ए का कितना आ गया 50,000, और उसी तरह अब बी का देखिए, बी का कितना है 5,000, 9, 5, 14, 14, 30 कितना आ गया 44, दूसरे का कितना बन गया 44,000, और उसके बाद सी का कितना है 10,000, 10 और 6, 16,000, 16 और 30, 46,000, तो ये कितना आ गया 40,000, वो पीछे से वर्कआउट करके हम तीनों का अलग अलग कर लिया ना, ए का और ए का जोड़ लिया, फिर बी बी और बी का जोड़ लिया, फिर सी सी और सी का ऐड कर लिया, ठीक है जी, इस तरीके से हमें करना है, ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम करते हैं इसको, इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है प्रॉफिट की, क्योंकि उसने क्वेश्चन भी मांगा था कि जर्नल एंट्री पास करनी फॉर द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जर्नल में यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा डेट, पर्टिकुलर्स, डेट ना हो तो सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं, पर डेट है शायद, मैं अभी बताता हूँ आपको, क्रेडिट रुपीज, तो उसने प्रॉफिट एंड लॉस हमसे कितना मांगा था, डेट तो गिवन ही नहीं है कोई भी, कोई नहीं डेट नहीं है तो हम सीरियल नंबर डाल लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज करंट अकाउंट बिकॉज कैपिटल्स आर फिक्स्ड, उसने करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दिए ना, वहां से भी हिंट मिल रहा हमें, टू बीज करंट अकाउंट, टू सीज करंट अकाउंट, तो ये कितना है 1,40,000, तो ये आ गया, और ए का कितना 50,000, बी का कितना 44,000 और सी का कितना 46,000, ठीक है जी, ये हमारा सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बींग, अब नरेशन लिख लीजिए, बींग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी, तो चलिए आप इस क्वेश्चन को खुद करके देखिए, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी तीनों कंप्लीट होते हैं और वीडियो भी कंक्लूड करता हूँ मैं यहीं पे, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, आई क्वेश्चन दोबारा करके देखिए, और बाकी वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके जी डन।